हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हम लोग काइनेमेटिक्स का हमारा जो सेशन सेशन है उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें अभी तक स्टडी की हैं। ठीक है, और आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एवरेज इंस्टेंटेनियस, जैसे हमने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में देखा था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है, लेकिन आज मैं इसके साथ और जो स्पीड, सॉरी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, उन तीनों का कंबाइंड जो ओवरव्यू है वो भी मैं आज आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो अगेन जैसे कि हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम था हमारा वेलोसिटी, इसी तरह से एवरेज हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को हम ए से डिवाइड करते हैं, और ये एवरेज की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ए भी लगाऊंगा। वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने डायरेक्शन भी दिखा दिया, वो हो जाएगा वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। ठीक है, टी टू माइनस टी वन मतलब कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी की। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, मतलब कि लेट्स अज्यूम, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप घर से बाइक लेकर निकले हो, ठीक है, और आपकी स्पीड कंटिन्यूअसली 10 किलोमीटर पर आवर से है, इतनी स्पीड आप कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, मतलब कुछ भी हो रहा है आप यही स्पीड पे जा रहे हो, तो मतलब आप बोल सकते हो कि आपकी स्पीड ना चेंज हो रही है, ना ना अप जा रही है ना लो जा रही है, मतलब कि आपका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। एक्सेलरेशन अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, और वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी हमें पता है, क्यों रेट हम वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन दिखाता है। ठीक है, जैसे कि हम मैं बताता हूँ कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है, ये एवरेज है, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ए साइन यूज करता हूँ इंस्टेंटेनियस के लिए। लिमिट हम लगाते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस है, और यहाँ पे आ जाता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वी बाय डी टी, इसे मैं एक्सेलरेशन भी कहता हूँ। ये इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है, ये है एवरेज का फॉर्मूला। ओके, तो रेट रेट मतलब कि कितनी स्पीड से प्लस और माइनस हो रहा है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि 10 किलोमीटर से वो जा रहा है, तो मतलब कि लेट्स टेक दिस स्ट्रेट लाइन, ये एक लाइन ड्रॉ की मैंने, और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, अब यहाँ भी मेरी स्पीड 10 है, 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 तो मेरी स्पीड बढ़ भी नहीं रही है, कम भी नहीं हो रही है, मतलब कि ये कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट। तो अगर कॉन्स्टेंट है मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है मेरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड चेंज हो रही है, नहीं चेंज ही नहीं हो रही है ना, तो इसका रेट मिलेगा नहीं, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। बट अगर मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी है 10, यहाँ पे हो रही है 15, यहाँ पे हो रही है 20, यहाँ पे हो रही है 25, यहाँ पे हो रही है 30, मतलब मेरी स्पीड कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज होती जा रही है मेरी स्पीड, तो अगर मेरी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीजिंग जा रही है, ठीक है, मतलब कि मुझे मेरा जो वेलोसिटी का चेंज है वो मुझे कुछ मिल रहा है, और चेंज क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह से चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, कि मैंने 10 से स्टार्ट की, फिर मेरी 8 हो गई, फिर मेरी 6 हो गई, फिर मेरी 5 हो गई, फिर मेरी 3 हो गई, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चेंजेस हो सकते हैं, तो इसी तरह से एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है जैसे कि आगे वाले केस में बताया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। और एक चीज कि हमने सबसे पहले देखा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर मैं उसको एस बोलता हूँ, ठीक है, तो उसका यूनिट हो जाता है मीटर। फिर हम आए वेलोसिटी पे, वेलोसिटी मतलब कि डी एस बाई डी टी, मतलब कि इस ये जो फंक्शन दिया होगा, ये कुछ भी फंक्शन हो सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसका मैं टी टी मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ। ठीक है, तब मुझे मिलता है क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और इसी तरह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है इसका, डी एस बाई डी टी मतलब ये वेलोसिटी का, वेलोसिटी का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, मतलब कि डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी का मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी।
तो वो मुझे क्या दे देगा, वो मुझे दे देगा एक्सेलरेशन, क्योंकि मुझे चाहिए वेलोसिटी का चेंज। तो इसीलिए मैं एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा मेरे लिए, वेलोसिटी का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखता हूँ। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये है डी बाई डी टी वी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी बाई डी टी ऑफ वी है, वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एस बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। वट इज द मीनिंग ऑफ डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे करते हैं, ठीक है, नीट वाले स्टूडेंट को मे भी नहीं पता होगा, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। ये है सेकेंड डिफरेंशिएशन, क्या है ये, सेकेंड डिफरेंशिएशन किसका, एस का सेकेंड डिफरेंशिएशन। मतलब कि एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं इसे, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं, या तो हम इसे लिख सकते हैं सेकेंड डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, इसे सेकेंड डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हम लिख सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कि लेट्स से मुझे कोई इक्वेशन दिया है एस का, एस जो पाथ फॉलो कर रहा है, एस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो पाथ फॉलो कर रहा है वो है मेरा 3x³ प्लस 5x² प्लस 8, ये मेरा है कि इस पाथ पे फॉलो कर रहा है, मतलब कि अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी, 8, 8 वैल्यू मिलेगी, तो 0 पे वो है 8 8 8 जगह पे। अगर ये क्वाड्रेटिक मैं यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे जो 8,0 होगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 8, वहाँ पे है वो, ठीक है, फिर 1 पुट करूंगा तो आगे इस तरह से वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो इसका अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन क्या होता है, x³ का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, ये आगे आ जाएगा तो 9 पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब कि x 3 - 1 मतलब कि स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिमिलरली ये आगे आ जाएगा तो 10 1 पावर कम हो जाएगी, तो x 8 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरा वेलोसिटी मिल गया, ये था मीटर में, ये आएगा मीटर पर सेकेंड में। इसी तरह से अगर यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन किस तरह से निकालता हूँ मैं, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन मतलब कि ये आगे आ जाएगा तो 18 और 2 - 1 मतलब कि x, प्लस यहाँ पे 10 × x है तो 10 वैसे का वैसा, x की पावर 1 है, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, x की 0 पावर क्या होता है, 1, तो मतलब 18x+1, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये हमें इस तरह से डिस्प्लेसमेंट तो दिया होता है, हमें कुछ भी चीज़ दी हो सकती है, ठीक है, इन तीनों में से हमें एस भी दिया होगा तो हम ये दोनों फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें ये दिया है तो भी हम ये दोनों फाइंड कर सकता है, और अगर हमें ए भी दिया है तो भी हम ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब तीनों में से अगर एक चीज़ दी है तो हम बाकी की सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का टॉपिक इसी तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम लोग जब जाने वाले हैं तब हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन कर्व लाइन, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उस समय पे एक्सेलरेशन सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज़ आती है अगर फिजिक्स में आगे मोशन चैप्टर में, तो हम डील करेंगे मोस्ट प्रोबेबली 3 चीज़ों के साथ, एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं एस, या फिर हम लेते हैं वेलोसिटी वी और एक्सेलरेशन ए, इन तीनों के साथ हम खेलते हैं, और इन तीनों के साथ कौन एसोसिएटेड है, ये किसके साथ चेंज हो रहा है, ये सब किसके साथ वेरी हो रहा है, ये सब हो रहा है टाइम के साथ वेरी, ठीक है, टाइम के साथ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इन सब के साथ हम खेलेंगे आगे, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि वो लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि हम उसमें जो 3 इंपॉर्टेंट मोशन के फॉर्मूलाज है वो हम डिस्कस करेंगे और वो अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वही फॉर्मूला पूरी ज़िंदगी रिपीट होने वाला है, तो वो डिराइव करके समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, रट्टा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम समझेंगे हर एक फॉर्मूला, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अरे वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर से करिए, अब हम आप हमारे वीडियोस को नीट के आपके जो बायोलॉजी वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम नीट के भी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि नीट के क्वेश्चन JEE में भी यूजफुल हो सकते हैं और JEE के क्वेश्चन नीट में भी यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स कॉमन सब्जेक्ट है, और अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।